गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और सबसे पहले मैं भाई आज नहा धोई हूँ, ट्यूसडे चलते हैं वाली सीधा मंदिर। भाई दर्शन कर लो सभी, मैं टीवी मार रहा हूँ उधर सामने। एक बात बात, अब मुड़ गया कैमरा। आज पापा अभी अभी घर पे ही आए हुए हैं, तो मैं सबसे पहले जा रहा हूँ इसकी बाइक की सर्विस करवाने। और आज भाई हमारे ताऊजी रिटायर हो जाएंगे, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे थे दिल्ली पुलिस में, तो आज उनकी रिटायरमेंट डे है। पर और शाम को पार्टी होगी भाई, मैं तो यार हो नहीं पाऊंगा उसमें। बाकी मैंने भैया से बोल दूंगा कि भैया मेरे को ना क्लिप डॉक्यूमेंट कर देंगे, तो मैं अपने ब्लॉग में ऐड कर दूंगा, आपको दिखा दूंगा पार्टी किस तरीके से होगी। भैया का जो अपना बैंकट, जिस बैंकट में मैं आपको काफ़ी बार घुमा कर आया हूँ ना ब्लॉग के थ्रू, तो उसी बैंकट में है पार्टी वगैरह। मुझे भाई पता नहीं था पहले, मतलब हमारे ना घर में आधे से ज़्यादा लोगों को पता था कि 28 तारीख का फंक्शन है, बस मुझे ही नहीं पता था। और जिस दिन मैंने टिकट बुक करी थी उसके शाम को ही पता चल गया था कि 28 तारीख का फंक्शन है। मन का यार ये गड़बड़ हो गई, और 28 की रात को मेरी ट्रेन है, और मैं फंक्शन थोड़ा सा भी इन्जॉय नहीं कर सकता क्योंकि 8 बजे की ट्रेन है, तो हम यहाँ से 5 बजे निकल जाएंगे। पुरानी दिल्ली से मेरी ट्रेन होगी, और मैं पहले भी बताया 4-5 बार कम से कम वैष्णो देवी की टिकट बुक करा चुका हूँ, और कैंसिल पे कैंसिल हो गई वो। और भाई एक बार की कैंसिलेशन चार्ज आता है कम से कम 750-850 रुपये, क्योंकि हमारी 3rd AC की होती है, 2nd AC की होती है। तो भाई अब इतना मोटा मोटा झटका 3-4 झेल लिया का, अब कुछ भी हो जाए आपकी टिकट बुक नहीं होगी। और उसी दिन भी मेरे को पता चलता है, फिर थोड़ा बुरा सा लगा। फिर मैंने कहा कोई नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा फंक्शन में, मम्मी आपका उन्नति सब जाएंगे। अनवर आ गया, मैं अनवर की बाइक पर बैठ गया, अनवर स्कूटी ले रहा है, वीडियो शूट किया जा रहे हैं हम। दे भाई मेरी शूट कर दी, थोड़ी सी मोड़ थोड़ी सी कैमरे बाहर ले आ, कितने लोग ना बहुत बात वो काट देना। सही है यार, अंकल ने 20 यहां पे ये वाला थार में कला बहुत चल रहा है, वहां पे भी खड़ा हुआ था पता है। तो उसके बाद बिरयानी खाएंगे, शूट करेंगे 12 बजे फुल के अपना। हां रात में किया था 1:30 बजे, हां हां ये 1:30 बजे था ना ब्लॉग एडिट किया था। स्कूटी अब मैंने यहाँ खड़ी कर दी है, क्योंकि भाई अब वैष्णो देवी से 2-3 दिन बाद जाऊँगा, तो गली में वहाँ खड़ी नहीं कर रहा, और यहाँ खड़ी कर दूंगा। वीडियो शूट हो गई, एक ही शूट हुई है मेरी, एक अनवर के लिए कर दी, क्योंकि हम दोनों एक साथ ही कोलैब करते हैं। दिन का एक कोलैब वो करेगा, दिन का एक कोलैब मैं करता हूँ सुबह शाम। तो अभी दाव आने वाले हैं, गली में भीड़ लग गए, ढोल वगैरह वाले सब आ गए, ये सब नाचने वाले हैं, और ये उनका पोता है ना। थोड़ा बहुत फंक्शन तो मैं दिखाई दूंगा, है ना, सही कह रहा हूँ ना। जो एकदम तैयार हो गया, और ताऊ भी तैयार है, ये हमारा मस्त है ना भाई, क्लियरिटी मस्त आ रही है सूरज की वजह से। अब आ गया भाई, भीड़ लग गई एकदम, जो लोग की तैयारी कर रहा है ना। चलो भाई जा रहे हैं, तो चलो भाई, वहाँ से निकलते निकलते बहुत लेट हो गया हमें, और हमें इसे यही नहीं पता था, इसकी वजह से लेट हो गया, लेट हुआ है। तो ये पार्ट और अब एक और हमारे साथ पोपट हो गया। अरे भाई व्यू देख, व्यू बस आते हैं, पट हो गया वहाँ ना, ट्रेन खड़ी हुई है, फाटक बंद है, लॉक के चक्कर में ट्रेन। देखो हम यहाँ से निकल के आए हैं इनके ऊपर से, थक गया भाई मैं तो। भैया को हमने कैसे तैसे तैयार किया है, मैंने बोला भैया रो घूमा जल्दी जल्दी भगा दो बस। 5 साल बाद बस में बैठ रहा हूँ, बस में भी ना एसी वाली बस है, तो पता नहीं थी एसी वाली बस में आने लग गए भाई। ये पहला बंदा, और भाई स्मार्ट, ये तो जूते पूते पहन गए हैं,
हम कड़कड़ वाले, हम चप्पलों में दोनों भाई। हेलो ब्रो, जल्दी ले लो भाई। अब हम आ गए मेट्रो पर, ठीक है, फाइनली मेट्रो पे आ गए। कितने बजे? 8 बजे की ट्रेन है। और ये वाली जाएगी ना मेट्रो उधर? चलो ये नहीं जाएगी भाई। आप कौन हो? आपको मैं ही धक्का दे दूँ तो क्या बात है। अभी हम चांदनी चौक कश्मीर गेट आए हैं। अभी कश्मीर गेट पहुँच गए भाई, और यहाँ से चेंज करके हम जाएंगे चांदनी चौक। अब मैं सीधा आपको रेलवे स्टेशन पर जाकर दिखाऊँ। उसमें भीड़ बहुत है, देखो कितनी भीड़ है। पब्लिक को कोई काम ही नहीं है, पब्लिक को कोई काम ही नहीं, इधर से उधर भाग रही है। रेलवे स्टेशन की ओर 3 नंबर से जाना भाई। चलिए भाई हम टाइम पे आ गए। कितने बजे टाइम देख? 7:05 पे आ गए भाई। अब वहाँ जाके ब्लॉगिंग करेंगे, पहला टूर अपना इस साल का। अगर ये टूर भाई जय श्री राम कर दो, जय श्री राम, मैं ये कह रहा था अगर पहला टूर सक्सेसफुल रहा तो भाई एक और टूर जल्दी मारेंगे, ठीक है, जल्दी किसी महीने में, मार्च में मार दूंगा। हमने नीचे पूछ लिया भाई, बोल रहे हैं 11 नंबर प्लेटफॉर्म पे है, ये ऐसा देख के जा रहे हैं सर्वर। चलो भाई 11 नंबर को हमारी ट्रेन है ना। सबको ब्लॉगिंग से डर लगता है। हाँ मैंने ले लिया ब्लॉग में, हम वायरल होंगे। मेरी वीडियो ही वायरल नहीं होती, ये क्या वायरल होंगे साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बैठने की जगह नहीं बटर भाई, हम आ गए मेट्रो स्टेशन। कह रहा हूँ क्या ही? मैं नहीं बताऊंगा। हम आ गए भाई रेलवे स्टेशन पे। क्या हो गया भाई, क्या होगी ये तो बता भाई, इसकी पता ही नहीं चलिए। ये अपनी मौज देखो, वहाँ पे EMU खड़ी हुई है। खाने पीने का देख ले, यहाँ पर चिप्स तो यार दिखी नहीं रहे, चिप्स तो है नहीं, बिस्किट वगैरह, बिस्किट तो घर से ही लाया हूँ मैं। शुभम भाई अपनी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, देख रहे हो भाई, बंदा ब्लॉग कर रहा है, चौड़े में ब्लॉग कर रहा है, लोग देखो कैसे देख रहे। ओ भाई ट्रेन बैक आ रही है, भाई हुई है जम्मू मेल। चलो भाई अपनी ट्रेन आ गई है, जम्मू मेल है ना। मुझे तो ये भी नहीं पता भाई 3 टायर ढूंढते कैसे हैं, कौन सा टायर चल रहा है तो यही नहीं पता, इनका भी नहीं पता कौन सा है, कौन सा टायर है ये? AC 2 टायर में आगे। चलो और जल्दी जल्दी चलो भाई। भाई ये अपना B5, मेरा B5 जम्मू मेल दिल्ली से 14:33 वैष्णो देवी कटरा। ये ढक्कन ही नहीं खोल रहे इसका दरवाजा, और मेरी फोटो खींच दो भाई। कैडा है मतलब सिस्टम देख रहे हो, कैडी भाई एकदम थर्ड AC का मजे अलग है। B5 भाई सबसे पहले हम ही आए 2 जने, और ट्रेन का कैडा सिस्टम हमारे लिए 2 है। चलो भाई इतनी तेज क्यों चिल्ला रहा है फिर, तेरा घर भी है देख रहे हो कितनी। और भाई कौन कौन से, तुम जल्दी बता अपनी। चार्जर पॉइंट खेल लेंगे भाई, 1, 2, 3 सब जगह चार्जर है। इतनी बुरी भी नहीं है भाई, यू कैसा है ट्रेन का? भाई ट्रेन बढ़िया है एकदम मस्त है, जम्मू मेल जितनी गंदी बताई जाती ना वैसा बढ़िया है। अच्छा AC में वाली में पर्दे तो होते हैं भाई, ये तो खैर बढ़िया है। चार्जिंग के पॉइंट मिल गए मेरे को, सबसे बड़ी बात ये लगी। दूसरा तुम्हारा, हमने ये वाली सीट ले लेंगे दोनों, है ना शुभम? हम 2 ही जने हैं। और तो मैं अपने अनुज वगैरह से भी हम बात कर लेंगे, अगर अनुज ने कह दी कि अनुज की सीट यही होगी ना एडजस्ट, तो यही करवा लेंगे उससे। हम तो पहले देखेंगे कौन कौन है। सबसे पहले तुम्हारा भाई ने वहां से 2 तकिया और कंबल ले लिए, 1 तकिया तो ही होगा अपना, ठीक है, 1 तकिया इसका होगा, मिडल बढ़ती है यही बैठ लेगा तब तक। और तुम्हारा कंबल हो लिया, कंबल भी मैं यही रख लो, दुकान में चिप्स भी रख लो भाई। सबसे पहले हमने चिप्स और रोटी खोल लिए, डब्बा भी पूरा खा लिया। मुझे लग रही है भाई बहुत तेज भूख भाई, टांग दे यार ऊपर भाई, जल्दी से टांग ऊपर, जल्दी टांग, भूख लग रही है बहुत तेज, पहले खाना वाना खा ले अपना। अभी चल रहे हैं भाई अनुज के पास, उसका भी देख लेते हैं कि वो पहुंच मतलब सीट वीट मिल गई कि नहीं। अनुज का भाई B1, इसमें घुस जाते हैं, B1 है तुम्हारा। तो भाई आज के लोकल ट्रेन चल गई है, ठीक है लेट लिया तुम। इसके फोन का कैडा सिस्टम देखो तुम, क्या नाम है इसका? इन्फिनिटी, नथिंग। चलो भाई इसके लिए तुम्हें पता ही आ गया कि हम क्या करना है, ठीक है भाई, इसके मुंह पे फिरा दूंगा।